हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और मॉम्स मैजिक में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए, अब होने वाली है हॉर्लिक्स की छुट्टी। बच्चों को मिलेगा प्रोटीन पाउडर, वो भी घर का बना हुआ। आजकल हम बच्चों के खाने पीने को लेकर हो गए हैं परेशान, क्योंकि बच्चे पूरा खाना पीना खाते नहीं हैं तो उनका न्यूट्रिशंस उन्हें मिल नहीं पाता, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो पाती, हाइट नहीं बढ़ पाती। तो अब ये सब सारी टेंशन छोड़ करके अब हम बनाएंगे प्रोटीन पाउडर। ये बच्चों की इम्यूनिटी, हेल्थ और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए तो असरदार है ही, साथ में ही उनके हाइट बूस्टिंग का भी काम करते। तो बस अब और कुछ नहीं करना है, ये हेल्थ बूस्टर प्रोटीन पाउडर आज ही घर पे बनाना है और एक गिलास दूध में मिलाकर अपने बच्चों को डेली सुबह शाम पिलाना है। एनर्जी बूस्टिंग पाउडर बनाने के लिए बस मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी 50 ग्राम काजू या एक बोल काजू, जो कि एनर्जी ऑफ सोर्स, फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं। एक बोल बादाम, ये भी फुल ऑफ प्रोटीन सोर्सेस होते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं और साथ ही साथ ब्रेन को हेल्दी रखने में भी बहुत हेल्पफुल। एक बोल अखरोट, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स और फाइबर्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। यह है पिस्ता, तो ये भी 50 ग्राम पिस्ता है, तो इसे इसमें भी लॉट्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन सोर्सेज होते हैं और ये हमारी सेहत के लिए और ये जो इम्यूनिटी और ये ब्रेन पावर बूस्टिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इन्हें एक एक करके लो फ्लेम में इसे रोस्ट करना है। दो से तीन मिनट तक इसे रोस्ट करेंगे। रोस्ट इसलिए हम कर रहे हैं कि इसका थोड़ा कच्चापन और जो इसमें मॉइस्ट होता है वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे हमें मिक्सी में पीसने में आसानी रहेगी। हमारे काजू रोस्ट हो गए हैं, इसे मुझे 3 मिनट का टाइम लगा रोस्ट होने में। देखिए हल्के हल्के थोड़ा ब्राउनिश, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम एक एक करके जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसे रोस्ट कर लेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। इसे भूनने के पहले थोड़ा टेस्ट करके देख लीजिए कि इसमें अगर थोड़ा सा भी कड़वापन होगा तो आप इसे नहीं डालिएगा। और ये अखरोट को हम 2 मिनट ही रोस्ट करेंगे। अब मैं डाल दूंगी इसमें पिस्ता, इसे दो से तीन मिनट तक के लिए हम रोस्ट करेंगे। ये देखिए अब हमारे पिस्ता भी रोस्ट हो चुके हैं। अब हम चारों ड्राई फ्रूट्स को ठंडा होने रख देंगे। और अब मैं लूँगी सबसे लास्ट मखाना। अगर आप इसमें मखाना नहीं लेना चाहते तो आप इसमें मुरमुरे भी ले सकते हैं या ओट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ ड्राई फ्रूट से बना रही हूँ तो मैं केवल ड्राई फ्रूट ही यूज़ करूँगी। जब तक हम मखाना रोस्ट करेंगे तब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स पूरे ठंडे होकर के तैयार होंगे। देखिए ये अब हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे अभी मैं ठंडा होने रख दूंगी। सारे ड्राई फ्रूट ठंडे होने के बाद ही हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। अगर हम ठंडा होने से पहले गरम गरम में इसे ग्राइंड कर देंगे तो ये पूरा चिपचिपा सा हो जाएगा और पाउडर नहीं बन पाएगा। ये देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट को एक साथ मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। मखाना छोड़ दिया है, अभी हम मखाना नहीं करेंगे। मखाना हम इसके ग्राइंड करने के बाद में करेंगे, क्योंकि ये इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मखाना ग्राइंड करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। देखिए इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, अब मैं इसे एक बाउल में निकाल दूँगी। अब इसी तरह मैं इस मखाने को भी मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी, हल्का बारीक, ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे और ज़्यादा उसको क्रश भी नहीं करेंगे। ये देखिए मखाना पीसकर रेडी है। अब मैं इस मखाने को जो हमने नट्स पूरे ग्राइंड किए थे उसमें मैं मिक्स कर दूँगी। आप चाहें तो इसको पूरे मिक्सर में डबल से मिक्स कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच इलायची,
थोड़ा हल्का बारीक क्रश करी हूँ, या आप इसमें पाउडर भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर और एक बॉल शुगर पाउडर। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अगर आपको कुछ ज़रूरत लगे तो आप इसमें मिक्सर में फिर से इसे एक बार मिक्स कर सकते हैं, तो और थोड़ा बारीक फाइन पाउडर आपका तैयार हो जाएगा। मुझे थोड़ा और फाइन पाउडर चाहिए, तो मैं सारे मिक्स को, नटीज़ मिक्स को, तो पूरे मैं एक बार और मिक्सर में मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं 8 से 10 सैफ्रॉन के मिक्स कर रही हूँ। ये एकदम ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे यूज़ करें, अदरवाइज स्किप करें। इसे डालने से थोड़ा टेस्ट, फ्लेवर और कलर बढ़ जाएगा। ये देखिए हमारा प्रोटीन पाउडर बनकर रेडी हो गया, एकदम फाइन पाउडर बना है। तो फ्रेंड्स, ये तैयार हो गया हमारा प्रोटीन बूस्टर पाउडर। अब आप ये सुबह और शाम दोनों टाइम अपने बच्चों को एक एक चम्मच या दो दो चम्मच एक गिलास गर्म दूध में मिलाकर पिलाइए, और आप चाहें तो ये पाउडर आप भी दूध के साथ डालकर पी। हम मदर्स भी डेली रूटीन के काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपना ख्याल रखने का टाइम ही नहीं मिल पाता। ऐसे में हमारी बॉडी की जो नीड है, प्रोटीन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, और भी जो मिनरल्स होते हैं, ये सब चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी। तो आप भी इसे अपने डेली रूटीन लाइफ में अपनाइए। तो चलिए बनाते हैं हम इसका दूध। 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर एक गिलास में डाल देंगे, और फिर गरम गरम दूध इसमें मिक्स कर देंगे। तो बस रेडी हो गया हमारा प्रोटीन पाउडर मिल्क शेक। अब बच्चों की बात हो रही है और उनका हॉर्लिक्स पाउडर ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बोल में आप इस मिक्स पाउडर को, प्रोटीन पाउडर को निकाल लीजिए और उसमें 1 चम्मच कोको पाउडर मिला दीजिए, तो बस रेडी हो गया उनका हॉर्लिक्स पाउडर। है कि नहीं, ये कितना इजी था। अब बच्चे भी खुश और हम भी खुश। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकॉन। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।